म्यूजिक न्यूज और मैं हूँ श्रृंखला प्रियदर्शनी। चलिए एक नजर डालते हैं बिहार की प्रमुख खबरों पर। 1900 करोड़ के घोटाले के सृजनहारों पर जिला प्रशासन कसने जा रहा है शिकंजा। SIT, SBI, AG की जांच के बीच में प्रशासन सृजन घोटाले से जुड़े अफसर कर्मचारियों पर करेगा कार्रवाई। मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र के ईटवा गांव में पंचायत के दौरान एक महिला को अर्धनग्न कर पीटा गया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को राहत देते हुए ठुकरा दी सूबे में शराब की अवैध बिक्री की जांच को लेकर दायर याचिका। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि शिक्षा सुधार पर बिहार सरकार खुली बहस करे, अगर मेरी कोई गलती मिल जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अतिक्रमण किए लोगों को हटाने का फुलवारी शरीफ में पुरजोर विरोध हो गया, सड़क पर उतरे लोग, सड़क जाम कर की आगजनी। मोतिहारी में शराबी पति ने ससुराल में पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी, घटना को अंजाम देकर पति ससुराल से हो गया फरार। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर सहित 17 आरोपितों की आज कोर्ट में हुई पेशी। पटना में गंगा में स्कॉर्पियो के साथ गिरे छात्र को अगवा बता के ठगे गए 2 लाख रुपए। मुजफ्फरपुर के 4 समेत सूबे के 121 सब इंस्पेक्टर बने इंस्पेक्टर। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं देश की विभिन्न खबरों पर। पुराने दिल्ली के चांदनी चौक में सौंदर्यीकरण को लेकर आम आदमी पार्टी करेगी कार्यक्रम। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह चित्तौड़गढ़ जिले के पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में सोमवार को कपासन विधानसभा क्षेत्र के अनगढ़ बाबजी में आम सभा को संबोधित किया। वहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का ना नेता ना नीति है ना ही सिद्धांत। वेतन ना मिलने से नाराज जेट एयरवेज के पायलटों में से कुछ ने बीमारी का बहाना बनाकर ड्यूटी पर आने से किया इनकार, जेट एयरवेज की 14 उड़ानें करनी पड़ी रद्द। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 3 NPA अकाउंट की बिक्री करने का किया फैसला ताकि 2110 करोड़ रुपए की बकाए की वसूली की जा सके। 13 दिसंबर को होगी ई नीलामी। अमृतसर में सैकड़ों लोगों की भीड़ ने पुलिस पर कर दिया हमला, पुलिस कस्टडी में कांग्रेस नेता युवक की हुई मौत, गुस्साई भीड़ ने किया पथराव, 2 पुलिस वाले हो गए घायल। आगे की खबरों के लिए बने रहे अम्यूजिक न्यूज के साथ। धन्यवाद।